YouTube चैनल पर जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों की ताने सुन सुन के और हर रोज नया कंटेंट पे वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इससे आपका चैनल वायरल नहीं होगा ना आपके अच्छे खासे व्यूज आएंगे। आपको माइंड सिर्फ एक ही जगह लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह अपने हाथ बिछा दो और सोचो कि मैं बहुत जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। कभी नहीं कर सकते आप जल्दी से ग्रो, जब तक आप एक जगह अपना माइंड सेटअप नहीं करोगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत सी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, यूट्यूब के ऊपर आप आते हैं तो यूट्यूब को जब आप स्क्रॉल करते हैं तो यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी वीडियोज आती है कि आप लोग ये चैनल क्रिएट कर लें बहुत जल्दी ग्रो होगा, या ये चैनल क्रिएट कर लें बहुत जल्दी ग्रो होगा। मैं ही खुद कभी आप लोगों को वीडियो देता हूं, जो न्यू यूट्यूबर्स आने वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि आप ये चैनल क्रिएट करेंगे तो इस पे बहुत जल्दी ग्रो होगा। ऐसा नहीं है, आप लोग अगर किसी चैनल पर काम कर रहे हैं ना तो प्लीज उस पे रेगुलरली काम करिए, उस पे वर्क करिए, तभी जाके वो चैनल पे ग्रो होगा। और अगर न्यू चैनल भी क्रिएट करना चाहते हैं आप तो पहले उस चैनल के छोड़ना पड़ेगा आपको। आप लोगों का माइंड एक जगह स्टॉप होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपको टेक वीडियो बनानी है तो आप टेक वीडियो की ही नॉलेज रखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चले जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो में चले जाएं या कहीं और चले जाएं या किसी और चैनल के बारे में चले जाएं, कॉपी पेस्ट में सॉन्ग्स के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहें तो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग चीजों के लिए होता है। और हम जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं वो लोग सिर्फ हम आप लोगों को बता सकते हैं कि कौन सा चैनल अभी के टाइम में ग्रो कर रहा है। जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं, न्यू यूट्यूबर बन रहे हैं, उनके लिए हम ये वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए भी। और हम जानते हैं अगर आप लोग उसी कैटेगरी से बिल कर रहे हैं काम, उसी कैटेगरी में काम करते हैं तो आप लोग अगर वो वीडियो को देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों को बताऊं कि आज के टाइम में किड्स वीडियो, जो बच्चों के लिए वीडियो होती है, बहुत जल्दी वायरल होती है, बहुत ज्यादा वायरल होती है। तो आप लोग इस चीज को अगर विश्वास करेंगे तो मैं आप लोगों को एक लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। आप लोग अगर एक चीज में दिखाऊं, ये एक सिर्फ वीडियो बना रखी है और ये एक साल पहले की 66 करोड़ व्यूज गए हैं इस वीडियो के ऊपर में। और आप लोगों को मैं इस चीज के बारे में बता दूं कि जो ये वीडियो बनाई है जिसने भी, एक बच्चों की वीडियो है और ये बच्चों की वीडियो के ऊपर आप लोग ध्यान से देखना, इसके ऊपर गए हैं 66 करोड़ व्यूज। तो ये जो है ना किड्स वीडियोस, जो बच्चों की वीडियोस होती हैं, ये तो एक चलो कार्टून एनिमेशन हो चुकी है जिसके ऊपर अच्छा खासा बनाया है। अगर मैं आपको छोटी सी एक छोटा सा एक सर्च करता हूं, मैं ABCD वीडियो कार्टून, तो आप लोग ये देखिए कार्टून के अंदर भी कितनी सारी वीडियो शूट हो रखी हैं और 6.9 करोड़ व्यूज गए हैं ABCD सॉन्ग्स के ऊपर। अगर मैं आपको प्ले करके सुनाना चाहूँ तो ABC सॉन्ग और आप लोग सबने ABCD अपनी लाइफ में पढ़ी होगी। और ABCD से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको तुरंत फोन ओपन करके देता हूँ और ये लगा देता हूँ वीडियो शूट जो बना रखी है ABCD या 1 2 3 या कोई भी ऐसी किड्स वीडियोस होती हैं जो बच्चों को समझ के होती हैं वो दे देता हूँ। तो बच्चे उसमें मगन रहते हैं। बच्चों को हम अगर उनका चैनल सब्सक्राइब भी करते तो उसी के अगेंस्ट वीडियोज हमारे पास आती रहती है कि इस तरीके से वीडियो आएगी। अगर मेरा बच्चा फोन चला भी रहा है तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। वो ABCD का अगर मैं चैनल सब्सक्राइब करके दे रखा है तो वही देखेगा, बैक टू बैक देखेगा। ऐसा नहीं है वो एक बार देखेगा। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग स्क्रॉल करते करते थक जाते हो बट बच्चा कभी नहीं थकता स्क्रॉल करते करते। अगर वो शॉर्ट से एक बार यू स्वैप कर रहा है, स्वैप अप करता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर उसको कोई टॉपिक अच्छा लग गया तो वो उसको वापस लेके आएगा, फिर देखेगा। और अगर वो दोबारा ऊपर चला गया फिर वापस लाएगा, उसके जो माइंड में सेट हो जाता है, अगर उसको कोई ऐसा टॉपिक जो उसको पसंद आ जाए, चाहे वो ABCD के ऊपर हो, चाहे 1 2 3 हो या कुछ भी हो, काउंटिंग्स भी हो सकती है या कोई कलर्स के ही नाम हो सकते हैं, वो उस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट देखता है और वो बहुत ज्यादातर देखते हैं बच्चे, और उनसे ही बच्चों का माइंड शार्प होता है। तो आप लोग जो अगर कोशिश कर रहे हैं, न्यू यूट्यूबर आने की चाह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आप लोगों से एक ही सजेशन दूंगा,
आप किड्स वीडियो बनाएं, ABCD के ऊपर बनाएं, और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको परेशान नहीं होना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास इतनी अच्छी एडिटिंग करने के लिए, ना मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास कोई वेबकैम है, ये कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आप लोग सिर्फ एक इमेज डाउनलोड कर लो यूट्यूब के लिए। आप गूगल क्रोम पे जाके इमेज डाउनलोड कर लो। नहीं तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन चलाते होंगे, उसमें किड्स ऑफ बुक डाल देना और वहां पे देखना नीचे लोगों ने उसमें पोस्ट होती हैं, वीडियोस होती हैं छोटी छोटी, या उनके जो सेलर होते हैं वो अपनी शॉर्ट शूट करवाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, वो फोटो डाउनलोड कर लेना। अगर आप वो फोटो डाउनलोड कर लेते हो, उसको अपनी वीडियो में लगा लो और उसमें बताओ, बच्चों को अपनी वॉइस दो कि बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं, इस ढंग से सीखने वाले हैं, ऐसे सीखेंगे, तो बच्चे उस वीडियो को बहुत ज्यादा देखते हैं और उस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं। आप देख लो विकेट्स की कोई भी वीडियो। अब मैं अगर आप लोगों के सामने एक और वीडियो प्ले करता हूं जिसके ऊपर 53 लाख व्यूज गए हैं 6 मंथ के अंदर, और आप लोग देखो ये किस तरीके की वीडियो है, और आप लोग खुद पहचान जाओगे। इसमें क्या करा है जिनका ये चैनल है, इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम करा है, अपनी एक राइटिंग बुक होती है उस पर उन्होंने कलर से सर्कल करते जा रहे हैं, फोन एज इट इज ऐसा सेट कर रखा है नीचे और बुक पे, और वो लिख रहे हैं कलर से ABCD, गाना चल रहा है, वॉइस चल रही है, बस वो जब ए का बनाते तो ए, बी फॉर बॉल तो बी, सी फॉर कैट तो सी, डी फॉर डॉग तो डी। इस तरीके से अगर आप लोग भी शूट करेंगे वीडियो इस तरीके से, और ये सिर्फ आपके स्मार्टफोन से हो सकता है, ये नहीं कि आपको कोई बढ़िया लैपटॉप चाहिए या बढ़िया आपको कैमरा चाहिए या आपका पूरा सेटअप होना चाहिए, नहीं। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, बहुत से यूट्यूबर एक छोटे से फोन से और आज इतने बड़े बने हैं, तो वो लोग भी आज के टाइम में फोन ही यूज कर रहे हैं, वो अपना लैपटॉप या कुछ ले रखा है, उन्होंने मैकबुक कुछ भी लिया हुआ है, बट वो एक शॉप पे ले रखा है, एक शौक के लिए लेके पड़ा है उनके पास, बट आज भी अगर उनको आप देखोगे या उनकी वीडियोस में आप देखना चाहो तो कभी देखना, उनकी वीडियो आज भी फोन से रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं इस फोन की पावर कितनी है। ये फोन अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ बना देगा, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो आप दिन भर से स्क्रीन वॉच करते जाओगे, आप रील्स देखते जाओगे और कुछ नहीं देख सकते। तो आप लोग इसका खास ध्यान रखें, अगर कुछ करना है, आपको स्क्रॉल नहीं करना है, पैसा कमाना है, तो यूट्यूब पे एक ऐसा भी चैनल बना सकते हो जो किड्स के ऊपर है, और आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो इस चैनल के ऊपर। तो कैसी लगी आप लोगों को ये आज की वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।